अब बात करते कि हमें कौन कौन सी किस्में अपनानी चाहिए। किसान भाइयों हमेशा ये ध्यान रखें कि एक ही वैरायटी के ऊपर निर्भर ना रहे, इसीलिए विभिन्न समयावधि में पकने वाली 3 से 4 किस्में हमारे खेत में लगाएं। जो अलग अलग समय में पकनी होती है उसमें अलग अलग गुण होते हैं। कुछ किस्में जैविक या अजैविक तनावों से लड़ने में सक्षम होती है। किसान भाइयों जब सूखा होता है तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि इंतज़ार नहीं करते हुए अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो तुरंत दरारें खेत में पड़ने से पहले ही उसकी सिंचाई का प्रयोग कर ले। उसके साथ साथ अन्य जो अंतःसस्यकर्षण क्रियाएं हैं जैसे कि डोरा या कुल्पा चलाना या खरपतवारों से मल्चिंग का प्रयोग, ये भी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपने खेत में किसी भी कंडीशन में 3 या 4 दिन से अधिक जल भराव की स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए, यानी कि जल निकास का व्यवस्था करना पड़ेगा। और इसके लिए जो BBF या रिज फरो पद्धति है वो बहुत उपयोगी है। और अंतिम उपाय के रूप में हमें यह भी देखना है कि जो अनुसंचित रसायन है जो एंटी ट्रांसपेरेंट है उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं सूखे की स्थिति में। उसमें पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि 1% घोल इसका छिड़काव कर सकते हैं फसल पे, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट है या ग्लिसरॉल है, इन दोनों में से किसी एक का 5% घोल बना के अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अन्य उपाय है कि अपने खेत में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो भूसे का प्रयोग आप कर सकते हैं 5 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से, चाहे वो गेहूं का भूसा हो या चने का भूसा हो, इससे नमी क्षरण कम होगी। इसके साथ साथ जो अन्य उपाय है जो जैविक या अजैविक तनावों को प्रबंधन के लिए जैसे कि समय पर कीट या रोग नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन, इसके भी आप नियंत्रण करते रहे और अपनी फसल को होने वाले नुकसान से बचाते रहे। तो ये थी कुछ विशेष चुनिंदा पद्धतियाँ। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।